अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग फाइल, फील्ड, रिकॉर्ड ये शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। उसके बाद फाइल के टाइप्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू ये भी पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखने हैं व्हाट इज़ फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट आर डिफरेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल इन DBMS। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है और उसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइल की डेफिनेशन तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फाइल की डेफिनेशन हमने की थी, अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। डिफरेंट रिकॉर्ड्स मिलते हैं तो रिकॉर्ड्स का जो कलेक्शन है, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स है, वो हमारे पास होता है फाइल। अब ये फाइल स्टोर कहाँ पर होती है? सेकेंडरी स्टोरेज में, हमने लास्ट टाइम यह भी बात की थी। तो जब वो फाइल स्टोर होती है स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर, तो वो स्टोर किस तरह से स्टोर करेंगे, कैसे उसे एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती हैं। मींस फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अ फाइल ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। मतलब क्या है कि अरेंजिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइल, मतलब एक फाइल के अंदर क्या है, डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं, उनको स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर किस तरह से अरेंज करना है, किस तरह से मैनेज करना है, को किस डिवाइस के ऊपर किस तरह से स्टोर होगा, ये हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखो ना, हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क भी है, हार्ड डिस्क के अलावा हमारे पास मैग्नेटिक टेप है, CD है, तो हमारे पास बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेज हैं। हर स्टोरेज डिवाइस के ऊपर डाटा स्टोर करने का और एक्सेस करने का मेथड डिफरेंट होगा। तो हमारे पास तीन मेथड्स अवेलेबल हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास है सिक्वेंशियल फाइल्स। सिक्वेंशियल फाइल्स में हम लोग क्या करते हैं, डाटा को सीक्वेंस में स्टोर किया जाता है, तरतीब में स्टोर किया जाता है। मतलब लाइक ये हमारे पास फाइल्स, पहला रिकॉर्ड स्टोर किया, उसके बाद दूसरा स्टोर कर दिया, तीसरा स्टोर कर दिया, चौथा कर दिया और पांचवा। मतलब हम लोग जो डाटा स्टोर करते हैं उसको सीक्वेंस में, मतलब स्टार्ट में पहली वैल्यू, उसके बाद दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू और पांचवी वैल्यू, इस तरह से सीक्वेंस में हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। और स्टोर करने के बाद जब उसे एक्सेस किया जाता है, वो भी सीक्वेंस में किया जाता है। सीक्वेंस मीन्स वन आफ्टर अदर, मतलब पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा और पाँचवा। अगर 1,00,000 रिकॉर्ड्स हैं तो उसके पहले हमारे पास 99,999 रिकॉर्ड्स होंगे। तो अब ये वाला जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड यूज़ किया जाता है, ये हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नेटिक टेप के ऊपर। मैग्नेटिक टेप आपने देखी होगी, ऑडियो या वीडियो कैसेट होती हैं, कैसेट के अंदर जो टेप होती है हमारे पास, प्लास्टिक की टेप जो होती है, उसके ऊपर मैग्नेटिक मटीरियल होता है। उस टेप के ऊपर जो डाटा स्टोर किया जाता है, वो सिक्वेंशियल फाइल्स की सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मेथड यूज़ किया जाता है। मीन्स टेप के स्टार्ट के ऊपर है, फिर उसके बाद सेकंड रिकॉर्ड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है और फिफ्थ है। मतलब आप ऑडियो कैसेट है, उसके अंदर सॉन्ग्स रिकॉर्ड हैं, तो उस कैसेट के स्टार्ट के ऊपर पहला सॉन्ग है, उसके बाद दूसरा सॉन्ग है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, ठीक हो गया। अगर आप उस ऑडियो कैसेट के ऊपर सॉन्ग प्ले करते हैं, आपने एंड वाला सॉन्ग प्ले करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर टेप स्टार्ट के ऊपर है, सॉन्ग यहाँ पे एंड पे है, तो उसे रिवाइंड करना होगा, फॉरवर्ड करना होता है। जैसे ही इस प्रॉपर लोकेशन पे आएगा, फिर हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये हमारे पास इसकी मेजर प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है। क्या? रीडिंग लास्ट रिकॉर्ड, एंड वाला रिकॉर्ड रीड करना है, तो उससे पहले जितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो आपको रीड करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर हमने डाटा स्टोर किया, 1,00,000 वैल्यूज स्टोर की हैं, एंड वाली जो वैल्यू है वो रीड करनी है, तो उससे पहले 99,999 जो वैल्यूज है वो रीड करेंगे। इस तरह से पहली, दूसरी, तीसरी चलती जाएंगे, एंड पर जाके हमें वो वैल्यू मिलेगी, तो हमारे पास इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अब ये हमारे पास सूटेबल किसके लिए है, मैग्नेटिक टेप के ऊपर हमारे पास डाटा सिक्वेंशली स्टोर होता है, वन आफ्टर दी अदर। अच्छा, सेकेंड हमारे पास है डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स। डायरेक्ट और रैंडम फाइल में आप किसी भी रिकॉर्ड के ऊपर जा सकते हो, जस्ट बाय स्पेसिफाइंग इट्स की वैल्यू। कैसे? आप स्पेसिफाई करते हो उसकी की वैल्यू, मतलब आप किसी सीक्वेंस में नहीं स्टोर करते। मतलब ये नहीं है कि पहली दो वैल्यू के बाद उस अगली लोकेशन पर तीसरी स्टोर करनी है, नहीं, आप रैंडमली स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने तीन वैल्यूज स्टोर की हैं, ये पहली वैल्यू, दूसरी और तीसरी वैल्यू है। अब आप किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसकी की वैल्यू। की वैल्यू मीन्स उस वैल्यू का उसकी लोकेशन, उसकी लोकेशन। लाइक हमारे पास ला,
इसे 2 कर देते हैं, इसे 4 कर देते हैं। तो हमारे पास अगर मैंने वैल्यू रीड करनी है 20, तो उसकी की वैल्यू हमारे पास होगी 1। मैं उसे बताऊंगा कि 1 लोकेशन पे जाओ, वहाँ जो वैल्यू प्रेजेंट है वो ले आओ। अगर मैंने ये 90 रीड करना है तो इसकी की वैल्यू क्या है, 3 है। तो मैं कंपाइलर उसे बताऊंगा 3 वैल्यू पर जाके, 3 इंडेक्स पर जाके जो वैल्यू प्रेजेंट है वो मुझे प्रोवाइड कर दो। तो जस्ट आप की स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे, और उस की वैल्यू पर जाके आपको जो डाटा है, जो रिकॉर्ड है वो मिल जाएगा। अब आपको लाइक यहाँ पर हमने वैल्यू स्टोर कर देती हैं जी, 10,000 रिकॉर्ड्स स्टोर हैं। अगर आपने रिकॉर्ड रीड करना है 9500 वाला, तो आप जस्ट उसका एड्रेस बताओगे, डायरेक्ट उस एड्रेस पर जाएंगे। उससे पहले हमारे पास 9499 जो रिकॉर्ड्स हैं वो रीड नहीं करने पड़ेंगे आपको। यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेस है वो क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। मीन्स यहाँ पर हमें क्या है, सारी की सारी प्रीवियस वैल्यूज रीड नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट उसी रिकॉर्ड के ऊपर जाते हैं जो हमें नीड है, जिसकी ज़रूरत है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, फास्टर है देन सिक्वेंशियल फाइल। अच्छा, यहाँ पर जब भी डाटा स्टोर किया जाता है ना, तो उस डाटा को, उस रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए आप ये जो की वैल्यू है वो लेते हो। मतलब मैंने वैल्यू स्टोर करनी है जी 900 लेट से मैंने स्टोर करनी है, तो सबसे पहले इस 90 वैल्यू के लिए इसका एड्रेस कैलकुलेट होगा। लेट से 900 वैल्यू के लिए एड्रेस कैलकुलेट हुआ है जी 4। अब मैंने एक और वैल्यू स्टोर करनी है, मैंने स्टोर करनी है 53। अब इसके लिए भी एड्रेस कैलकुलेट करना है। अब हुआ क्या, ऐसा केस, ऐसी सिचुएशन जिसमें दो डिफरेंट वैल्यूज़, डिफरेंट रिकॉर्ड्स के लिए सेम एड्रेस कैलकुलेट हो गए, मतलब 900 के लिए भी यही एड्रेस कैलकुलेट हो गया और 53 के लिए भी यही एड्रेस कैलकुलेट हो गया, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इससे डाटा हमारा लॉस हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं सिनोनिम। सिनोनिम क्या है हमारे पास, व्हेन सेम एड्रेस इज कैलकुलेटेड टू स्टोर टू डिफरेंट रिकॉर्ड्स। दो डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं, उसको स्टोर करने के लिए जो डिस्क का एड्रेस कैलकुलेट किया है वो सेम हो गया, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम आती है किस में, डायरेक्ट एक्सेस फाइल में। ये वाला जो हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड यूज़ किया जाता है, ये हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। देखो ना, आप हार्ड डिस्क में, आपके कंप्यूटर में कोई भी फोल्डर है, आप उस फोल्डर के अंदर हज़ारों फाइल्स हैं, किसी भी फाइल को आप एक्सेस करते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम एक्सेस करते हैं, आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहे होते हैं, किसी सीक्वेंस में एक्सेस नहीं करते। तो जो डिस्क के ऊपर डाटा स्टोर करने के लिए हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से हैं, डायरेक्ट और रैंडम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला है हमारे पास इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग में पता है कि असेंडिंग में मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाते हैं और डिसेंडिंग में मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आते हैं। और डाटा स्टोर करने के लिए यहाँ पर आपको एक इंडेक्स फाइल, एक फाइल के अंदर इंडेक्स आप क्रिएट करते हो। इसको देखें यहाँ पर, आप क्या करोगे, यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। यहाँ पर हमारे पास होगा की वैल्यू और उसका कोरोस्पोंडिंग डिस्क एड्रेस। ये हमारे पास यहाँ पे, लेट्स से स्टूडेंट्स के नेम स्टोर हैं, अली अहमद है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी मोहसिन है, या यहाँ पर कुछ डाटा स्टोर है। अब यहाँ पर मसलन स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर है, लेट्स से इसका एड्रेस है जी 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाले जो टेबल है, इस टेबल के अंदर हमारे पास दो कॉलम्स हैं, एक है वैल्यू, की वैल्यू, और एक है एड्रेस। की वैल्यू में लाइक मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 1 है उसका डाटा मैंने देखना है। लेट्स से यहाँ पे उसे कह देते हैं जी 210। ये की वैल्यू है, इसका रिकॉर्ड कहाँ पे है, एड्रेस पर 2 पर। इस 2 एड्रेस पर उसका नेम क्या है, मोहसिन है। तो जब भी आपने डाटा सर्च करना होगा, आप इस इंडेक्स टेबल में जाएंगे, किस में जाएंगे, इंडेक्स टेबल में। इंडेक्स पे टेबल में आप देखेंगे जो की वैल्यू, जो वैल्यू सर्च करनी है वो यहाँ पर ढूंढेंगे, उस वैल्यू के सामने उसका एड्रेस होगा, फिर उस एड्रेस पर जाएंगे, हमें वो वैल्यू मिल जाएगी।
इसे बोलते हैं इंडेक्स सिक्वेंशियल। यहाँ पर एक इंडेक्स क्रिएट होता है, इंडेक्स कुछ भी नहीं है, जस्ट एक टेबल है। मिसाल के तौर पर आपके बुक में सबसे स्टार पर टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया होता है, उसके अंदर हमारे पास इस तरह से चैप्टर नंबर है, उसके आगे पेज नंबर है। लाइक मैं कहता हूँ चैप्टर नंबर 10 ओपन करें, आप उस इंडेक्स टेबल में जाएंगे, आप देखें चैप्टर नंबर 10 उसका पेज नंबर, उस पेज पर जाएंगे तो आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। तो बेसिकली वो जो हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है वो बेसिकली क्या है, इंडेक्स। तो इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास एक इंडेक्स में की वैल्यू और उनका कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क एड्रेस स्टोर होता है। जब भी कोई वैल्यू रीड करनी होती है की वैल्यू देखते हैं, उसके सामने उसका एड्रेस मिलता है, उस एड्रेस पर जाते हैं हमें वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर डाटा एक्सेस करना ईजी है, फास्टर भी है, डाटा को असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्या है, डेटा जब भी अपडेट करेंगे, मसलन आपकी बुक में कंप्यूटर के 14 चैप्टर्स हैं, अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने स्कीम चेंज की, 3 चैप्टर्स ख़त्म कर दिए, 11 रह गए हैं, तो क्या होगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स चेंज होगा। पहले 14 चैप्टर्स से अब क्या होंगे, 11 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स रिमूव हो गए, तो इंडेक्स फाइल अपडेट होगी। लेट से 14 में 2 चैप्टर्स और ऐड हो जाते हैं, तो बुक के एंड पर 2 चैप्टर्स भी ऐड करेंगे, उनके पेज नंबर हम लोग कहाँ पे ऐड करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी। तो ये अपडेट प्रॉब्लम है कि जब नया डाटा एंटर करते हैं तो इंडेक्स फाइल अपडेट करेंगे, इंडेक्स टेबल अपडेट करेंगे, जब एग्जिस्टिंग डाटा रिमूव करेंगे तो भी आप यहाँ पे, जैसे मैं मोसिन का डाटा डिलीट करता हूँ तो ये 2 पे रेफर होता है, यहाँ पर ये भी डिलीट करना पड़ेगा। नया डाटा ऐड करते हैं तो उसकी की वैल्यू, इसका एड्रेस और यहाँ पर डाटा आएगा, तो जब यहाँ पर अपडेट प्रॉब्लम है प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेगा और यहाँ पर स्पेस भी ज़्यादा लेगा। एक तो डाटा स्टोर करना है, उसके अलावा उस डाटा के बारे में इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है इंडेक्स फाइल में, इंडेक्स फाइल भी डिस्क के ऊपर ही स्टोर होगी, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड मोर स्पेस, हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो ये तीनों के तीनों जो हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, सिक्वेंशियल, डायरेक्ट और रैंडम, ये जो आगे 3 टाइप्स हैं ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, ये MCQs आ सकती हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा बुक में से। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब ये ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के ऊपर हमारे पूरे के पूरे 7 चैप्टर्स बेस करते हैं, ये हमारे पास डेटाबेसिस की बेस है, ठीक हो गया। तो फाइल प्रोसेसिंग क्या हुआ कि शुरू में जब कंप्यूटर्स बिजनेस वर्ल्ड में यूज़ हुए तो उस वहाँ पर हमारे पास उस कंपनी के उस ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी डाटा होता था वो डाटा हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ फाइल्स में स्टोर करते थे। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट अपना डाटा एक फाइल के अंदर स्टोर करता था, इसलिए इसे बोलते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। जैसे मैंने यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम की एग्जाम्पल ली है, ये मैंने एग्जांपल ली है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं, नंबर 1 रजिस्ट्रेशन वाला है, एग्जामिनेशन वाला, लाइब्रेरी वाला, ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं। अब हर डिपार्टमेंट अपना क्या करता है, डाटा स्टोर करता है फाइल के अंदर। मसलन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया तो रजिस्ट्रेशन वाला जो हमारे पास ऑफिस है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने स्टूडेंट का डाटा कहाँ पर स्टोर किया, स्टूडेंट फाइल के अंदर। लाइक स्टूडेंट ने जब एडमिशन लिया तो उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, स्टूडेंट का नेम है, फादर नेम है, स्टूडेंट की क्लास, स्टूडेंट का एड्रेस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन उसने स्टोर कर दी कहाँ पे, फाइल के अंदर। रजिस्ट्रेशन वाला, उसके पास कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ये जो हमारे पास प्रोग्राम है ये सॉफ्टवेयर है, इसे बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, इसे क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम। इस एप्लीकेशन प्रोग्राम ने क्या किया, स्टूडेंट का जो डाटा था उसको एक फाइल के अंदर स्टोर कर दिया है। कौन सा डाटा था, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास और एड्रेस।
फ़ोन नंबर भी हो रहा, पिक्चर भी हो रही, ये सारा डाटा उसने स्टोर कर दिया। अब क्या हुआ, स्टूडेंट का डाटा स्टोर हो गया रजिस्ट्रेशन की फाइल, स्टूडेंट फाइल के अंदर। अब स्टूडेंट का एग्जाम हुआ, एग्जामिनेशन वाले ने स्टूडेंट का रिजल्ट का डाटा स्टोर करना है। हमें पता है जब स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड आता है तो रिजल्ट कार्ड के ऊपर उसका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास, ये सारा डाटा स्टोर होता है, उसका सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स। तो एग्जामिनेशन वाले ने स्टूडेंट के रिजल्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर की कि ये स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये स्टूडेंट का नेम है, क्लास, उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद उसके टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ग्रेड, ये सारा डाटा उसने स्टोर कर दिया एग्जामिनेशन वाले ने एग्जामिनेशन की फाइल के अंदर। फाइन, नेक्स्ट उसमें हुआ क्या हुआ, स्टूडेंट गया लाइब्रेरी के अंदर, कॉलेज में लाइब्रेरी में जाकर उसने एक बुक इशू करवाई है। तो लाइब्रेरी वाले ने क्या किया, उसने भी अपने पास डाटा मेंटेन करना है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो लाइब्रेरी वाले ने उसका डाटा अपने पास जो लाइब्रेरी फाइल है उसमें स्टोर कर दिया। उसने कहा जी ये स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये स्टूडेंट का नेम है, फलां क्लास में वो पढ़ता है, ये उसका एड्रेस है, ठीक है, ये बुक उसने मुझसे इशू करवाई है, बुक नेम होगा, यहाँ पर जो बुक है उसका ऑथर का नेम होगा, ऑथर के बाद उस बुक को इशू जिस दिन करवाया है उसकी इशू डेट होगी, इशू डेट के बाद उसे बताएगा कि ये आपकी एक्चुअल रिटर्न डेट है, मतलब आज उसने इशू करवाई है तो 10 दिन बाद की रिटर्न डेट है। अगर वो रिटर्न डेट के बाद रिटर्न करता है तो उसे फ़ाइन होगा। ये सारा डाटा उसने अपना कहाँ पर रख देना है, इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर। तो इस तरह से डाटा मैनेज किया जाता था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, मींस ईच डिपार्टमेंट स्टोर्स इट्स ओन डाटा इन इट्स ओन फाइल सेट ऑफ फाइल्स। रजिस्ट्रेशन वाले ने अपने फाइल के अंदर स्टोर कर दिया, एग्जामिनेशन वाले ने फाइल के अंदर स्टोर कर दिया, लाइब्रेरी वाले प्रोग्राम ने लाइब्रेरी फाइल के अंदर स्टोर कर दिया। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, ये अपना डाटा कहाँ पे मेंटेन करते हैं, फाइल्स के अंदर। तो इस तरह के प्रोग्राम्स को, इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, मीन्स फाइल के अंदर डाटा प्रोसेस करने वाला सिस्टम। हाँ, अपना जितना भी डाटा वो कहाँ पे स्टोर किया है उन्होंने, फाइल्स के अंदर। अब ये देखने में तो हमें बिल्कुल ऐसे ही लगता है, ऐसे ही होना चाहिए कि जो भी हमारे पास डिपार्टमेंट है उसके पास जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको इस्तेमाल करते हुए वो डाटा अपने फाइल्स के अंदर स्टोर कर ले। लेकिन इस तरह से जब उन्होंने कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर डाटा स्टोर किए तो उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स फेस की। नंबर वन प्रॉब्लम हमारे पास क्या आती है, डाटा रिडंडेंसी, मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो हमारे सामने आई वो क्या है कि हमें सेम डाटा बार बार स्टोर करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, एड्रेस स्टोर किया है। यही डाटा रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास, एग्जामिनेशन वाले ने भी स्टोर किया है, सेम डाटा बार बार स्टोर किया है। लाइब्रेरी वाले ने भी स्टोर किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं डाटा रिडंडेंसी, मींस व्हेन सेम डाटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल फाइल्स, सेम डाटा एक से ज़्यादा फाइल्स के अंदर स्टोर है, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी से जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे पास क्या है, वी नीड मोर स्टोरेज, वी रिक्वायर मोर स्टोरेज स्पेस टू स्टोर द डाटा। लाइक हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं, 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो सबका डाटा बार बार 2000 दफ़ा इसमें भी स्टोर करेंगे, 2000 दफ़ा इसमें भी स्टोर करेंगे, 2000 दफ़ा इसमें भी स्टोर करेंगे, ट्रांसपोर्ट वाले में भी स्टोर करेंगे हम लोग, इसी तरह से अकाउंट्स वाले में भी स्टोर करेंगे। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम थी डाटा रिडंडेंसी, ड्यू टू रिडंडेंसी वी नीड मोर स्टोरेज स्पेस। तो ये हमारे पास फैक्टर आ जाता है, हमारे पास कौन सा फैक्टर है, कॉस्ट फैक्टर है, जिसमें हमारे पास कॉस्ट मैक्सिमाइज हो रही है, ज़्यादा हो रही है, हमें स्टोरेज स्पेस ज़्यादा चाहिए। खैर कॉस्ट हम लोग बेयर कर लेंगे। एक और प्रॉब्लम जिस इसी डाटा को बार बार स्टोर करने की वजह से जो सामने आई, बिकॉज ऑफ रिडंडेंसी, रिडंडेंसी की वजह से, वो हमारे पास है डाटा इनकंसिस्टेंसी। अब इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, फर्ज कर ले स्टूडेंट एडमिशन लिया, वो उसे रजिस्ट्रेशन नंबर एलोकेट हुआ A1,
नेम है जी इसका अली, फादर नेम है जी उसका रज़ा, क्लास है जी ICS, एड्रेस है जी ABC। अब वही स्टूडेंट जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर A1 है, नेम है जी अली, क्लास है जी ICS, एड्रेस है जी ABC, उसने यहाँ से कोई बुक इशू करवा दी है लाइब्रेरी में जाके। अब क्या हुआ, स्टूडेंट जो है 4 दिन बाद आया रजिस्ट्रेशन वाले के पास, उसने कहा सर जी कि मेरा तो एड्रेस चेंज हो गया, आपने गलत लिखा है, मेरा एड्रेस ABC नहीं है, मेरा एड्रेस है जी XYZ, आप इसे चेंज कर दें। अब क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन वाले ने अपना इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए इस फाइल के अंदर जो डाटा ABC था, एड्रेस उसे चेंज कर दिया XYZ, एड्रेस स्टूडेंट का चेंज हो गया किसमें, रजिस्ट्रेशन वाली फाइल के अंदर। देखें उसी स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे क्या है, ABC है। अब हमारे पास सेम स्टूडेंट का 2 फाइल्स के अंदर डाटा डिफरेंट हो चुके हैं। ये वाला बंदा कह रहा है जिस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर A1 है, नेम अली है, फादर नेम रजा है, क्लास ICS, एड्रेस XYZ है, ये कहता है जी नहीं, A1 जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका नेम अली है, क्लास ICS है, एड्रेस हमारे पास ABC है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, ये बंदा कहता है एड्रेस ABC है, ये कहता है XYZ है, एड्रेस मिसमैच हो गया है, एड्रेस डिफरेंट हो गया है, तो डाटा हमारा अब कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट हो गया है। हमारा डाटा क्या हो गया है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंसी मीन्स व्हेन 2 डिफरेंट फाइल्स हैव डिफरेंट डाटा ऑफ द सेम एंटिटी, एक ही पर्सन का एक ही चीज़ के बारे में 2 फाइल्स के अंदर जो डाटा है वो हमारे पास सेम नहीं रहा, डिफरेंट हो गया, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। ये क्यों हुई, रिडंडेंसी की वजह से, क्योंकि हमारा सेम डाटा एक से ज़्यादा दफा स्टोर है, एक जगह चेंज हुआ है दूसरी जगह चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसे बोलते हैं डाटा इनकंसिस्टेंसी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम जो फाइल प्रोसेसिंग में उन्होंने फेस की वो क्या थी, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी मीन्स ये हमारे पास फाइल्स के अंदर क्या है, डाटा है, और इस डाटा को मेंटेन करने के लिए ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, ये रजिस्ट्रेशन वाला क्या है, प्रोग्राम है, इस फाइल के अंदर डाटा है, ये उसको मेंटेन करने वाला प्रोग्राम है, ये एग्जामिनेशन वाला प्रोग्राम है, इसके अंदर क्या हमारे पास है, डाटा, इसके अंदर डाटा है, ये हमारे पास उसको मेंटेन करने वाला प्रोग्राम है। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी मीन्स इस फाइल को मेंटेन करने के लिए, रीड करने के लिए यही एग्जामिनेशन वाला प्रोग्राम चाहिए, रजिस्ट्रेशन वाला प्रोग्राम इस एग्जामिनेशन की फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता, एग्जामिनेशन वाला प्रोग्राम इसको एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब इस डाटा फाइल को रीड करने के लिए यही प्रोग्राम चाहिए, इस प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम इसी फाइल को रीड कर सकता है, इन दोनों की आपस में डिपेंडेंसी को बोलते हैं प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी में प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप फाइल के स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं तो आपको, मसलन यहाँ पर स्टूडेंट का डाटा, हम लोग उसकी फ़ोटो भी आप स्टोर करते हैं, अब हमने एक नया कॉलम ऐड कर दिया, उसका नई फील्ड ऐड कर दी फाइल के अंदर, कौन सी फ़ोटो, पहले फ़ोटो स्टोर नहीं हो रही थी, ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम हमने राइट किया था, ये हमने राइट किया था जो एडजस्टिंग कॉलम्स थे, उसे नहीं पता कि ये स्टूडेंट की फ़ोटो भी स्टोर करनी है, हमने उसकी प्रोग्रामिंग ही नहीं की थी, तो क्या हुआ, जब फाइल के स्ट्रक्चर में चेंज किया है तो आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी चेंज करना पड़ता है। जब आप फाइल में, फाइल फॉर्मेट में चेंज करते हैं तो उसका, उसको रीड करने वाला जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसमें भी चेंज करना पड़ता है, मतलब ये एप्लीकेशन प्रोग्राम पहले डिपेंड करता था ओल्ड फाइल फॉर्मेट के ऊपर, अब फाइल का फॉर्मेट चेंज हुआ है तो आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी चेंज करना पड़ता है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। ये मतलब हमारे पास चेंजेस करना एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है, मतलब फाइल में चेंज करते हैं तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी चेंज करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी के बाद लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि सिस्टम के साइज़ को आसानी से एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, मतलब नए फीचर्स, नए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऐड करना यहाँ पर डिफ़िकल्ट टास्क है। मतलब अगर हम लोग एक नया एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट करते हैं, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है, 2 डिफरेंट फाइल्स में से डाटा एक्सेस करना चाह रहे हैं, मसलन इसको फ़र्ज़ कर लें, ये हमारे पास प्रोग्राम है SMS अलर्ट,
ये प्रोग्राम क्या करता है, स्टूडेंट्स को उसने मैसेज भेजना है, उसका रिजल्ट कार्ड हमने सेंड करना है बाई SMS। तो इसको स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन नंबर फाइल में से उसका नेम, फ़ोन नंबर वगैरह चाहिए, एग्जामिनेशन वाली फाइल से उसका रिजल्ट, सब्जेक्ट नेम, उसके टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स चाहिए। तो ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट करना जो एग्जिस्टिंग फाइल में से डाटा रीड करने करते हैं, वो इतना ईजी टास्क नहीं है यहाँ पर, क्यों, बिकॉज वी हैव डिफरेंट डाटा इन डिफरेंट फाइल्स, ईच फाइल हैव डिफरेंट फार्मेट, इसका फार्मेट कुछ और है, इसका फार्मेट कुछ और है। तो ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट करना जो डिफरेंट फाइल फार्मेट के साथ कंपेटिबल हों, ये हमारे पास यहाँ पर इतना ईजी टास्क नहीं था, एक कॉम्प्लेक्स टास्क था। मतलब यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब नए प्रोग्राम्स, नए फीचर्स ऐड करना यहाँ पर आसान काम नहीं था। तो फाइल प्रोसेसिंग की हमारे पास चार प्रॉब्लम्स होंगी। हाँ जी, तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि इंटेग्रिटी प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इंटेग्रिटी प्रॉब्लम। इंटेग्रिटी मींस रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ स्टोर्ड डाटा, मींस क्वालिटी ऑफ स्टोर्ड डाटा। लेट्स से हमारे पास स्टूडेंट का हमने स्टोर किया है जी, स्टूडेंट का नेम स्टोर किया है, क्या नेम के अंदर हमारे पास इस तरह से 1, 2, 3 का न्यूमेरिक वैल्यूज एंटर होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बिकॉज नेम कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z, यानी कि यहाँ पर ABC वाले लेटर्स होने चाहिए, यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। लाइक आपने स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर किए हैं, ऑब्टेन मार्क्स, अब टोटल मार्क्स अगर 100 हैं तो ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास 0 से 100 के दरमियान ही होने चाहिए ना, कैसा होना चाहिए कि 100 में से 150 नंबर आ गए हैं, नहीं होने चाहिए। तो मीन्स यहाँ पे इंटेग्रिटी प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि जब डाटा इनपुट करते थे, स्टोर करते थे, तो इनपुट डाटा को चेक करना क्या वो हमारे पास उस डाटा की डोमेन में आता है, मतलब क्या वो इनपुट होना चाहिए, क्या वो वैलिड है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी। मतलब इंटेग्रिटी प्रॉब्लम, मतलब इंटेग्रिटी को इंश्योर करना हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल नहीं था या कॉम्प्लेक्स था हमारे पास। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है कि डाटा को चेक करना, अगर हमारा डाटा कुछ रूल्स को फुलफिल करता है तो उसे एक्सेप्ट करे, अदरवाइज हमारा डाटा इनपुट ना हो, यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, इंटेग्रिटी प्रॉब्लम। लेकिन जैसे हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ये हमारे पास न्यूमेरिक होते हैं, न्यूमेरिक के बाद लाइक हमारे पास 0 से टोटल मार्क्स के दरमियान होना चाहिए, टोटल मार्क्स अगर कंप्यूटर में 75 मार्क्स का पेपर है तो 0 से 75 मार्क्स तक हमारे पास एंटर होने चाहिए। कंप्यूटर के मार्क्स, कंप्यूटर के पेपर में हमारे पास 90 मार्क्स नहीं हो सकते क्योंकि टोटल मार्क्स हमारे पास 75 हैं। तो इस तरह के चेक्स अप्लाई करना ऑन इनकमिंग डाटा प्रॉब्लम थी। तो इसे क्या बोलते हैं, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। देखिए ना, आप आपके मार्क्स एंटर हो गए हैं जी, कंप्यूटर के टोटल मार्क्स है 75, आपके मार्क्स एंटर करने से 65, गलती से 6 की जगह 9 प्रेस हो गए, 95, क्या ये डाटा रिलायबल है? नहीं। कैसे जो रिज़ल्ट आएंगे वो एक्यूरेट होंगे? वो भी गलत होंगे। जब डाटा हमारे पास रिलायबल नहीं होगा तो उससे जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे। तो डाटा बेस के अंदर जो डाटा स्टोर करना चाहिए वो एक्यूरेट भी होना चाहिए और रिलायबल भी होना चाहिए। फाइल प्रोसेसिंग में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, ये इंटेग्रिटी प्रॉब्लम थी। उसके बाद है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सिक्योरिटी प्रॉब्लम में हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग के अंदर कोई प्रॉपर सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं थी कि डाटा के ऊपर जब हम लोग डिफरेंट यूज़र को एक्सेस दें तो लेवल ऑफ एक्सेस चेंज किया जाए। मिसाल के तौर पर हम लोग वेबसाइट पर, आपका रिजल्ट आता है मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट पर, आपने रिजल्ट चेक किया है तो आप स्टूडेंट जो है वो रिज़ल्ट देख सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो एडमिन है वो हमारे पास रिजल्ट चेंज भी कर सकता है। तो सेम डाटा के ऊपर डिफरेंट यूज़र को उन्होंने क्या किया हुआ है, डिफरेंट एक्सेस दी हुई है, स्टूडेंट के पास ये एक्सेस नहीं है कि वो अपना डाटा या रिजल्ट चेंज कर सके, लेकिन जो वेबसाइट का एडमिन है मुल्तान बोर्ड में वो चेंज कर सकता है। फाइल प्रोसेसिंग में ये सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी। सिक्योरिटी प्रॉब्लम मीन्स वी नीड टू प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस टू डिफरेंट यूज़र्स। यूज़र डिफरेंट हैं तो उन्हें एक्सेस भी डिफरेंट देना है। मसलन अगर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो वो डाटा इनपुट करे जस्ट, एक जो मैनेजर है वो डाटा इनपुट भी कर सकता है, वो डाटा डिलीट भी कर सकता है, डाटा देख भी सकता है। तो जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे हम लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम लोग अपना डाटा इनपुट करते हैं, हम लोग किसी का डाटा, किसी का पासवर्ड देख नहीं सकते, हमें इतनी एक्सेस नहीं है, हम लोग अपना पासवर्ड देख सकते हैं, किसी का पासवर्ड देख नहीं सकते। तो फेसबुक जो है वो फाइल प्रोसेसिंग के ऊपर काम नहीं कर रही, वो हमारे पास डाटा बेसिस पे काम करती हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है। फाइल प्रोसेसिंग में कोई ऐसी सिक्योरिटी के ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है।
सम अप करते हैं। सबसे पहले हमने देखा फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग डाटा डिस्क के ऊपर अरेंज करते हैं, तो उसकी तीन टाइप्स थी, सिक्वेंशियल, रैंडम और इंडेक्स सिक्वेंशियल। उसके बाद हमने देखा फाइल प्रोसेसिंग। फाइल प्रोसेसिंग में डिफरेंट प्रोग्राम अपना डाटा डिफरेंट फाइल्स में मैनेज करते हैं, जिससे हमारे पास ये प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, डाटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, बार बार डाटा स्टोर करते हैं, फिर जब एक दफ़ा चेंज कर दिया, दूसरी दफ़ा चेंज दूसरी जगह पर चेंज नहीं हुआ दूसरी फाइल में, तो हमारा डाटा इनकन्सिस्टेंट हो जाता है। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, मतलब फाइल में चेंज किया है अपने प्रोग्राम में चेंज नहीं किया, प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ता है, मतलब प्रोग्राम और डाटा आपस में डिपेंड करते हैं। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब नया फीचर ऐड करना, नया एप्लीकेशन प्रोग्राम एग्जिस्टिंग फाइल के साथ कंपैटिबल करना प्रॉब्लम है। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम है, हमने देखा कि जो डाटा इनपुट कर रहे हैं उसे चेक करें, अगर वो वैलिड है तो इनपुट हो, अदरवाइज ना हो, इस तरह के ऑप्शन नहीं थे, इंटेग्रिटी प्रॉब्लम थी। उसके बाद सिक्योरिटी प्रॉब्लम, मतलब सेम डाटा के ऊपर डिफरेंट यूज़र को डिफरेंट एक्सेस प्रोवाइड करना, ये हमारे पास पॉसिबल यहाँ पर नहीं था, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं इनका सोल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।